गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एमएस अली फ्रॉम सारण बिहार। आज की वीडियो है बहुत ही छोटी। वैसे तो मैं अधिकांश वीडियो छोटी ही बनाया करता हूं, लेकिन वीडियो है छोटी पर कॉन्सेप्ट है बहुत ही बड़ा। कई सालों से आपके दिलो दिमाग में एक चीज़ घूमती आ रही होगी, और वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पे मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर सको। कई सालों से आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में ये प्रश्न, ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ लिखा है एट मीन्स मे और इन मीन्स भी मे। आप कहोगे कि सर जी एट मीन्स तो पर भी होता है। मैं बोलूँगा कि ठीक है, एट मीन्स पर होता है, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ एट का मतलब मे होगा, इन का भी मतलब मे होगा। यानी एट मीन्स भी मे और इन मीन्स भी मे। अगर प्रेपोजिशन आप पढ़ते हो तो एट के बहुत सारे प्रयोग हैं, इन के भी बहुत सारे प्रयोग हैं, इस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ एट का भी अर्थ मे है, इनका भी अर्थ में है। चलो दो सेंटेंस मैंने दिए हैं। पहला सेंटेंस कि मैं विद्यालय में हूँ, मैंने पहले तरीके से बनाया आई एम इन द स्कूल, और दूसरे तरीके से मैंने बनाया आई एम एट स्कूल। सही कौन है जरा बताना मुझे बाद में। तुम मंदिर में थे, यू वर इन द टेम्पल, या यू वर एट टेम्पल, दोनों में सही कौन है? मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों के दोनों सही हैं। बोथ द सेंटेंसेज आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। दोनों के दोनों सेंटेंसेज बिल्कुल सही हैं। अब मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर ये सही क्यों है। ओके, सिचुएशन समझते हैं। आपने कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, कई सारी बुक्स में आपने कभी इन द से देखा होगा और कभी एट से देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इन द मिला होगा, एट उतना नहीं मिला होगा। आपने देखा होगा आई एम रीडिंग इन द क्लास, यू आर स्टडिंग इन द क्लास, या शी इज रीडिंग इन द स्कूल, यू आर स्टडिंग इन द कॉलेज, She is worshipping in the temple। इस तरीके से आपने इन द ही देखा होगा, आपने एट उतना नहीं देखा होगा। लेकिन जहाँ कहीं भी आप एट देखते हो ना, या आपने अगर कहीं ना कहीं एट देखा होगा, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर जगा होगा कि यहाँ पर इन द क्यों नहीं आया। स्कूल में के लिए तो हमने इन द लिखा है, मतलब इन द लिखा हुआ देखा है, जैसे कि स्कूल में तो इन द स्कूल, कॉलेज में इन द कॉलेज, मंदिर में इन द टेम्पल, मस्जिद में इन द मस्क। तो फिर यहाँ पर ये एट कैसा चक्कर है, यानी क्या है ये चक्कर एट लगने का? तो मैं आज इसी चक्कर को रिमूव करने के लिए आया हूँ इस वीडियो को लेकर के, कि आज आपके साथ ये जो कन्फ्यूजन होती है ये नहीं होगी। अब समझिए आप इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर एंटर कर जाते हो, ओके, और किसी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, तो वहाँ पर आपका जवाब होगा आई एम इन द स्कूल। क्यों? क्योंकि आप स्कूल के अंदर हो, क्लासेज में हो, कक्षाओं में हो, वर्गों में हो, तो आप इन द का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप स्कूल गए हो, लेकिन अभी स्कूल के अंदर एंटर नहीं किए हो, स्कूल के प्रांगण में हो, स्कूल के द्वार पे हो, या स्कूल के अगल बगल में, एकदम जस्ट बगल में ही हो, समीप में ही हो, लेकिन आप अभी एंटर अंदर नहीं किए हो, तो भी तो आप यही ना कहते हो कि मैं स्कूल में हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कहते कि स्कूल के बाहर हूँ, है ना, स्कूल में ही हूँ। भले स्कूल के आप सामने हो, द्वार पे हो, या उसका जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे हो, तो भी आप क्या कहते हो कि स्कूल में हूँ। लेकिन वहाँ पर अगर कहना हो कि मैं स्कूल में हूँ, तो इन द लगा करके नहीं कहोगे, आपको कहना होगा आई एम एट ए स्कूल। क्यों? क्योंकि अभी आप स्कूल के कक्षाओं में, वर्गों में एंटर नहीं किए हो, प्रवेश नहीं किए हो। अगर आप उसके अंदर होते तब बोलते आई एम इन द स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस, तुम मंदिर में थे। अगर मंदिर के अंदर हो, पूजा वूजा कर रहे हो, या नहीं भी कर रहे हो, बैठे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मंदिर के अंदर हो, है ना, तो आप कहोगे यू वर इन द टेम्पल। किसी ने पूछा आपसे कि वेयर वर यू डैट टाइम, उस समय तुम कहाँ थे, और उस समय अगर आप मंदिर में होगे तो आप बोलोगे आई वॉज इन द टेम्पल डैट टाइम, या एट डैट टाइम, यानी एट डैट टाइम, आई वॉज इन द टेम्पल एट डैट टाइम, मैं उस समय मंदिर में था। सिचुएशन कौन सी है कि मैं मंदिर के अंदर था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था, और मंदिर के अंदर था, पूजा कर रहा था या नहीं भी कर रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर था। और अगर आप मंदिर के बाहर थे, जैसे कि मंदिर है, मंदिर के ठीक द्वार के सामने हो, या अगल बगल में हो, तो भी आप क्या कहते हो कि मैं मंदिर में ही हूँ, लेकिन आपकी अंग्रेजी जो है ना वो बदल जाती है, आपको एट टेम्पल करना होता है, इन द टेम्पल नहीं करना होता है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आपको मिल जाए विद्यालय में, कॉलेज में, टेम्पल में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, है ना, गिरजाघर में, कहीं भी, और अगर आप उसके अंदर एंटर कर गए हो तो वो इन द है, और अगर अगल बगल में हो, सामने हो, लेकिन अंदर भी एंटर नहीं किए हो, तो वो एट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलतियों से आज के बाद आप बचने वाले हो, और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से फिर से एक बार देख करके, वीडियो को पॉज करके या लिख करके, जैसे भी हो आप इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम का है और ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी किताबों में भी नहीं मिल पाता है। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि मैं लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, और बहुत ही कम, रेयरली ही मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आज फिर से एक बार कह देता हूँ, अगर पढ़ाने की एक्टिंग अच्छी लगी हो, पढ़ाने की शैली या आपको तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल मेरे कलोनी क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग टू ऑल।